हम शुरुआत करते हैं डॉक्टर बिल्कीस से और दो मिनट आज के प्रोग्राम का एक्चुअल टॉपिक ये है कि दो मिनट आपके अपने लिए, ये दो मिनट जो है आप क्या बता रही हैं खवातीन क्या था? मैं एक्नी और पिंपल्स का बता रही हूँ कि अगर एक्नी और पिंपल हो जाए तो उसको आप कैसे दो मिनट में सही कर सकते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने मुल्तानी मिट्टी लेनी है, लौंग पाउडर लेना है, नीम का पाउडर लेना है और चारकोल एक्टिवेटेड जो आपको मिल जाता है वो लेना है। इन सबको आपने पीस कर, बराबर पीस कर पाउडर बनाकर जार में रख देना है। आप डालती रहना, फिर आप आके रट्टा मारते रहेंगे। ठीक है, हाँ, आपने आपने ग्राइंड करना है इन सब चीजों को। ठीक है, मुल्तानी मिट्टी ये सब बराबर रहे, हम वजन बिल्कुल सारे इक्वल। अगर आपने 10-10 ग्राम लिए हैं तो 10-10 ग्राम लेना है लौंग पाउडर। ठीक है, ठीक है, नीम का पाउडर, नीम का पाउडर, ठीक है, एक टेबल स्पून ले रही हैं सारे। जी जी बिल्कुल, ठीक है। और चारकोल एक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड चारकोल यानी कोयला जो एक्टिवेटेड है, ये नहीं कि बारबेक्यू वाला बना के गया तो बच्चे कोयले आप डाल लें, नहीं वो बिल्कुल भी नहीं डालना, अलग एक्टिवेटेड। ठीक है, ठीक है, इसको आपने ब्लेंड किया जी, फिर क्या करेंगे? ब्लेंड कर लिया, ब्लेंड करने के बाद ये आपका जो एक्नी पिंपल उसके लिए एक चेयर और शहजादी को अरेंज करते हैं, एक चेयर और शहजादी को अरेंज करते हैं। आपका पाउडर तैयार है, अब आपने इसको क्या किया, एलोवेरा का जेल लिया। अच्छा, जो आपका पाउडर तैयार हो गया वो आप बना के एक साथ रख सकती हैं। जी बिल्कुल, उसमें आपको अपना टाइम वेस्ट दोबारा बार बार बनाने की जरूरत नहीं। कितने दिन तक आप रख सकते हैं पाउडर बना के? ये साल, दो साल, तीन साल, तीन साल तक पिंपल रहे, नहीं नहीं मैं मिसाल दे रही हूँ, क्या ये रख लिया तो क्योंकि एक्टिवेटेड चारकोल जो है इसको प्रिजर्व कर देगा, इसकी कोई भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज खराब नहीं होगी, क्योंकि इसके नीम के पत्तों का पाउडर भी आप इसको रख सकते हैं, जब तक यूटिलाइज नहीं करें रख सकते हैं कोई। अच्छा, अब हम क्या करें, उस पाउडर को हम मिला रहे एलोवेरा जेल के साथ। जी, एलोवेरा जेल के साथ। तो आप ये वो जो जेल निकला है उसी को इस्तेमाल कर, नहीं वो अंगूर का है। जी जी, ये आप फ्रेश काट रहे हैं? जी, फ्रेश एलोवेरा जेल काटा, उसके ऊपर का ये मैंने निकाला। ये अब आप प्रोसीजर भी देख लें। सही है, इसके लिए आपको लगेगा एक मिनट। ठीक है, एक ये आधा मिनट, आधा मिनट, ये चलें आधा मिनट, छुरी से काट ना लीजिएगा, आधा मिनट। नहीं नहीं नहीं, ये देखिए इस तरह ये जेल निकल गया। और इस तरह करके आप इसको इस तरह करेंगे ना, आपका जो जेल निकलेगा ना वो बिल्कुल सही तरीके वाला निकलेगा। ये देखिए, ये जो है इसको आपको ब्लेंड करने की जरूरत नहीं होगी, ये ब्लेंड हो जाएगा। ठीक है, ये जेल निकला। इसमें से मैंने पाउडर लिया। कुर्सी यहाँ ले आए शहजादी, आप आ जाएं। ये जो मिक्सचर बन रहा है, आपके पिंपल है? हाँ, बस इनके मुंह पे जो पिंकल कह रही हूँ, पिंपल है, पिंपल है, ये उसके ऊपर कैसे लगाना है ये हम आपको भी दिखाते हैं। वो एलोवेरा जेल में वो जो पाउडर था हमने मिला लिया, जिसके अंदर शामिल था एक्टिवेटेड कोयला, चारकोल, फिर नीम की क्या था, नीम के पत्तों का, नीम के पत्ते का पाउडर, मुल्तानी मिट्टी और लौंग का पाउडर, और लौंग का पाउडर। ये तो दाने आपसे दूर रहने पर मजबूर कर देंगे, क्योंकि ये नीम और लौंग तो होता ही ऐसा है। इसी के लिए, और ना हमने मुल्तानी मिट्टी लिया और ये सारा एलोवेरा, एलोवेरा सूदिंग के लिए कि आपको एलर्जी ना। अच्छा, ये देखें, ये आप इस तरह मिक्स करके मास्क तैयार। अच्छा, अब ये बस दानों के ऊपर लगाए, पूरे मुंह पे लगाए? दानों पे, सिर्फ दानों पे। कॉटन बर्ड लेना है जो, जिससे हम कान साफ करते हैं, उस पे लगा लगा कर, जहाँ जहाँ हमारे पास एयर बर्ड है, एयर बर्ड जो इस पे लगा, एयर बर्ड साफ सुथरा है जो मेरे उसमें रखा हुआ है, जरा लेकर आओ। हाँ, मेकअप बॉक्स। हाँ, ठीक है, ताकि हम आपको एग्जैक्टली वैसे ही दिखा रहे हैं कि आपने घर में भी ऐसे ही अपने मुंह पे लगाना है। जी, जो ये होते हैं ना मोटे मोटे पीप वाले दाने, पस वाले दाने पस वाले निकल रहे होते हैं। हाँ, और तकलीफ दे रहे होते हैं, जब ये निकलते हैं तो बड़े तकलीफ होता है। ये एक्नी के लिए भी बहुत अच्छे और पिंपल्स के लिए भी बहुत अच्छे, दोनों के लिए बहुत अच्छा। और जिनकी पीठ पूरी भर जाती है, पीठ पे भी लगा सकते हैं? जी जी, पीठ पूरी भर जाती है, ऐसे आते कि पूरी पीठ भरी हुई होती है, तो उनको अपने सर के खुश्की का भी चेकअप कराना चाहिए, खुश्की की वजह भी हो सकती। अच्छा, पीठ पे खुश्की, यहाँ पर हाथ पे, यहाँ हाथ पे, यहाँ पर आप इसको बनाकर आप पूरे उस पे लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं। और आप देखेंगे एक दफा लगाएंगे तो आपके दाने मुरझा जाएंगे। अच्छा, ठीक है। और हम कितने दिन तक ये सिलसिला जारी रखें लगाने का?
निदा अगर ये लगाया जाए ना तो घड़े पड़ने के चांसेस कम हो जाते। अच्छा, ये जैसे आप दिन में कितनी दफा लगा सकते हैं? एक दफा पहले 15 मिनट के लिए लगाएं, आस्ते आस्ते एक घंटे के लिए लगाएं। ओके, सिर्फ इतना है और कुछ। और क्या बेस्ट टाइम क्या है लगाने का इसको? बेस्ट टाइम जब आप टीवी देख रहे हो, जब आप मेरा शो देख रहे हैं, ये जब आप निदा का शो देख रहे हैं तब लगाएं। इससे क्या होगा, बार बार आपका हाथ नहीं जाएगा, आपका जहन कहीं और मजबूत मगन रहेंगी। हाँ, और आपका हाथ इधर उधर दानों पे साफ कहे ना डॉक्टर बिल्कुल। जी जी, लाएं ये। हाँ, है तो इससे बड़ा। अच्छा, अब ये जो है ये देखिए, अब ये अगर आके बताया क्या शहजादी सही लगा रही है? हाँ, बस थोड़ा सा जो उठ जाए। हाँ हाँ, बस जरूरी नहीं कि वो आपको है ना ब्लैक नजर आए वो। हाँ बिल्कुल, आप सही लगा रही है। ऐसे जी, अच्छा, सर्कुलर मूवमेंट है। दाने को पूरी कवरेज दें। जी बिल्कुल, पूरा कवर करें। ओके, सुदिंग के लिए ही हमने इसमें एलोवेरा जेल डाला ताकि अगर अल्लाह ना करे लॉन्ग पाउडर से आपको एलर्जी ना हो। ठीक है, सही। ये इनके दाने तो काफी बैठे हुए, ये तो उनकी एक्टिव एक्नी वल्गैरिस जो होती है जिसके बहुत पसी दाने निकलते हैं। आप लगाएंगे आपको एक ही दफा, इनको जल्दी इनको जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल, इनके सिर्फ निशान है, इनके निशानों पर ना सिर्फ निशान है। कोई भी चीज आप कर लें पैच टेस्ट करने के बाद, आप इसको ऐसे निशान ही है ना। हाँ, तो आप ऐसे करके निशानों पे ऐसे लेप भी लगा सकते। लेप भी लगा, सारे निशान एक साथ। ऐसे वरना ये 2 मिनट 20 मिनट भी बन जाएंगे। जी, इसलिए 2 मिनट कह रही हूँ। जब मैंने आपसे वादा किया कि अपने आपको सिर्फ 2 मिनट दे तो उसको 2 मिनट ही होना चाहिए। हाँ, है ना। ठीक है।